असलम ये हमारी बैंसा मिल है, और बैंसा मिल की ये वाली जो इसकी पुल्ली है तो इसमें ये फल्लड़ है, और फल्लड़ आप जानते हैं कि यहाँ बाजार से आप पूरे पाकिस्तान से आप जिस जगह से भी आप पुल्ली लेंगे आपको एक्यूरेट पुल्ली कभी नहीं मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे एक्यूरेट काम करने का रिवाज ही नहीं है। तो पुल्ली को अब जितना भी आप उसके अलावा पुल्ली अगर आप खराबी से एक्यूरेट उसका बोर भी करवाते तो जब आप ऊपर चढ़ाते तो आप देखते कि उसमें थोड़ा बहुत फ़र्क है। तो वो फ़र्क किस तरह निकाला जाता है, तो मैं अभी ये देखें, ये मेरी पुल्ली है, इसमें अभी ऐसे ऐसे हो रही है। तो अब मैं ये फ़र्क निकालने का जो बेहतरीन तरीका है वो ये है कि ये देखें ये एक प्लेट मैंने लोहे की एक प्लेट, ये आधी इंच मोटा लोहा है, उसमें मैंने ये चार सुराख डाल के तो इसमें मूस लगा के तो चूड़ी बना ली है। अब ये देखें इस पर ये नट लग जाएंगे, और अब मैं क्या करूँगा कि इसको यहाँ पे लगाऊँगा, ये देखें, और यहाँ पे लगा के तो मैं ऊपर से इसका नट भी लगा दूँगा जिस तरह के पहले लगा हुआ था। बड़ा रेंज ये लग रहा है, अब ये देखें ये मैंने कील लगाई हुई है, और मैं इसके साथ चेक कर रहा हूँ, तो ये देखें यहाँ पे ये कील ये लग रही है, तो ये एरिया इसका मतलब है यहाँ से ये थोड़ी सी इधर है, तो मैं इसको टाइट करूँगा ये अंदर चली जाएगी। ये देखें इनको मैंने अब एडजस्ट कर लिया है, और ये लोहे की प्लेट लगा के तो मैंने इसको अब ये ऊपर ऐसे कील लगा के तो इसको मैंने सेट कर लिया। तो अभी मैं आपको चला के दिखाता हूँ तेज़ी के। तो ये देखें अभी भी मामूली सा फ़र्क इसमें मौजूद है, लेकिन वो फ़र्क भी वो बहुत जेन्युइन किस्म का फ़र्क है, और पुल्ली के अंदर ही जो मैंने जब तैयार की है, लेकिन बहुत छोटा सा फ़र्क रह गया है। तो बहरहाल ये आपको नज़र आ रहा है, और ये आगे वाली जो पुल्ली हैं व्हील हैं, तो व्हील में भी इसी तरह आप सेटिंग कर सकते हैं, और मैं इंशाल्लाह जो नेक्स्ट मशीन बना रहा हूँ तो उसके दोनों व्हील में भी इसी तरह आगे प्लेटें लगाऊंगा ताकि उनको भी मैं करेक्ट कर सकूं और बिल्कुल एक्यूरेट कर सकूं, और इंशाल्लाह मैं आपको दिखाऊंगा भी। तो वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।